Today we are going to discuss about the oily water separator OWS, कैसे ये काम करता है, इसका सिप में क्या क्या यूज होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे. सो ऑयली वाटर सेपरेटर का बेसिकली काम होता है, इट इज़ यूज टू डिस्चार्ज द ऑयली वाटर ओवरबोर्ड एट द रेट ऑफ 15 PPM. मतलब जो ऑयली मिक्सचर वाटर जो होता है उसमें से ऑयल को और वाटर को सेपरेट करता है, और सेपरेट करने के बाद में ऑयल को ओवरबोर्ड 15 PPM पे डिस्चार्ज कर देगा. लेस देन 15 PPM, मोर देन 15 PPM नहीं होने देगा. तो हाउ इट वर्क्स, लेट्स सी. ऑयली वाटर सेपरेटर में दो कंपार्टमेंट दिए गए हैं. ये मैंने सेकंड स्टेज ऑयली वाटर सेपरेटर बनाया, इसमें दो स्टेज हैं, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज. फर्स्ट स्टेज में जो सेपरेशन होता है वो ग्रेविटी के आधार पर होता है, यहाँ पर जी इंडिकेट किया मैंने. और सेकंड स्टेज में जो सेपरेशन होता है वो कॉलेसिंग के आधार पर होता है, कॉलेसिंग लीटर लगे हुए हैं यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग सेपरेशन होगा. ग्रेविटी के अकॉर्डिंग सेपरेशन कैसे होगा, आपने अगर नोटिस किया होगा कभी, तो व्हेन यू मिक्स द वाटर विद द ऑयल एंड यू कीप फॉर द टाइम्स, मीन्स यू कीप इट फॉर द हाफ एन आवर और वन आवर, व्हाट यू विल सी द ऑयल इज कमिंग अप एंड वाटर इज गोइंग डाउन. व्हाई? बिकॉज द ग्रेविटी मेथड्स. ऑयल हल्का होता है और पानी भारी होता है, तो क्या होगा, जो हल्की चीज़ें वो कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, और जो भारी चीज़ें वो कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी. इसी प्रिंसिपल पे यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में काम होता है. सेकंड स्टेज में कॉलेसिंग फिल्टर्स होते हैं. कॉलेसिंग इज अ मटेरियल, एक कॉलेसिंग मटेरियल होता है, फिल्टरिंग मीडिया होता है जो यहाँ पर फिल्टर का काम करता है. नाउ व्हाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द OWS ऑन बोर्ड द शिप. OWS की रिक्वायरमेंट शिप में क्यों हुई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मारपोल, मारपोल मीन्स द मरीन पॉल्यूशन, द इंटरनेशनल रेगुलेशन सही है, मरीन पॉल्यूशन. तो क्या होता है उसमें कि एनएक्स नंबर वन के अकॉर्डिंग आप ऑयल को सी में डिस्चार्ज नहीं कर सकते, या ऑयली मिक्सचर वाटर को भी सी में डिस्चार्ज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑयली मिक्सचर को सी में डिस्चार्ज करेंगे, ऑयल की सी की सतह के ऊपर में लेयर क्रिएट हो जाएगी जो कि ऑक्सीजन को नीचे पास नहीं होने देती. इससे क्या होता है, और ये बहुत हार्मफुल होता है सी के लिए. ओके, तो यहाँ पे हम ऑयली वाटर सेपरेटर, ये ऑक्जिलरी मशीन है जो इंजन रूम में होती है, इसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. हाउ इट वर्क्स मैंने बता दिया आपको. फर्स्ट स्टेज होता है, सेकंड स्टेज होता है. फर्स्ट स्टेज ग्रेविटी प्रिंसिपल पर काम करता है, सेकंड स्टेज में कॉलेसिंग फिल्टर्स होते हैं उस पर प्रिंसिपल पर काम करता है. और यहाँ पे एक बिल्ज पंप लगाया हुआ है, बिल्ज पंप. बिल्ज क्या होता है, बिल्ज इज अ लोकेशन अंडर द इंजन, अंडर नीथ द इंजन, मतलब इंजन के नीचे एक लोकेशन होती है बिल्जिस, जहाँ पे सारा ऑयली मिक्सचर वाटर इकट्ठा होता है जाके, जो भी पंप्स का लीकेज होगा, मशीनों का लीकेज होगा, जो भी पानी होगा, वो सब लीकेज वगैरह कहाँ पे इकट्ठा होगा, जाके बिल्जिस में वही ऑयली मिक्सचर हुआ, और उसी को हमें डिस्चार्ज करना है ओवरबोर्ड बाय यूजिंग द OWS. तो यहाँ पे जो जो मिक्सचर इस डिस्चार्ज होता है, सॉरी लीकेज होता है पंप से, मशीनों से, वो सारा बिल्जिस में जाता है, और बिल्जिस में से हम क्या करते हैं, उसको बिल्ज होल्डिंग टैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं. ओके, बिल्ज होल्डिंग टैंक में मतलब यहाँ पे क्या भरा हुआ है, ऑयली मिक्सचर, ऑयल और पानी का मिक्सचर जो है वो कहाँ भरा हुआ है, बिल्ज होल्डिंग टैंक में. ऑयली मिक्सचर बता दिया आपको, लीकेज मशीनों से जो भी लीकेज होता है वो सब इकट्ठा हो जाता है जाके. अब बिल्ज होल्डिंग टैंक से ये देखो, ये एक पाइपलाइन आई है यहाँ पे, ये क्या लिखा है यहाँ पे, बिल्ज पंप, बिल्ज पंप लिखा हुआ है. तो बिल्ज पंप का एक कनेक्शन यहाँ पे देखो बिल्ज होल्डिंग टैंक से है, दूसरा कनेक्शन यहाँ पे देखो सी वाटर से है. ओके, अब यहाँ पे बिल्ज पंप है, ये सी वाटर है. इनिशियली क्या करते हैं हम, जब OWS को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्ज पंप को चालू करेंगे और ये वाला सी सेक्शन वॉल जो है ये इसको ओपन करेंगे. तो यहाँ से सी वाटर, क्लीन सी वाटर हम इसमें फिलअप करते हैं. क्लीन सी वाटर क्यों फिलअप करते हैं, इसमें जो भी एयर प्रेजेंट होगी उसको हम, ये जो बेंट वॉल यहाँ पे दिया गया है, ये जो बेंट वॉल है इसको ओपन कर दो, तो इसमें जैसे जैसे पानी फिलअप होता जाएगा सी वाटर, और यहाँ पर जो भी एयर होगी वो वेंट वॉल के थ्रू बाहर रिलीज हो जाएगी. वंस यू फाइंड एयर सारी की सारी रिमूव हो चुकी है, इसको आप क्लोज कर दीजिए, सी वाटर को, पंप को बंद करके सी वाटर ओवरबोर्ड डिस्चार्ज कर दीजिए. क्लियर, ये हो गया हमारा पहला स्टेप जो हमको ऑयल में, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे पानी को फिलअप करेंगे.
फर्स्ट स्टेप में हमने पानी को फिलअप किया, एयर को रिमूव किया, ओके। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बिल्ज पम्प है इससे ऑयली वाटर जो है उसको हम इसमें फिलअप करेंगे। ये यहाँ पे बिल्ज होल्डिंग टैंक है, ये बिल्ज पम्प है। जो भी ऑयली मिक्सचर जो लीकेज होता है, ऑयल वाटर जो भी लीकेज होता है मशीनों से, वो कहाँ जाता है, बिल्ज वेल में जाता है, और बिल्ज वेल से हम उसको ट्रांसफर करके बिल्ज होल्डिंग टैंक में उसको स्टोरेज कर लेंगे। फिर बिल्ज होल्डिंग टैंक से हम OWS के थ्रू उसको ओवर वो डिस्चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 15 PPM। ओके, तो ये बिल्ज होल्डिंग टैंक है, इसके अंदर में ऑयली मिक्सचर है। ये देखो ये यहाँ से पाइपलाइन है, ये इसका डायरेक्शन जो फ्लो रहेगा वो इस साइड में रहेगा, यहाँ से इधर आएगा। ये वॉल लगा हुआ है, ये बिल्ज पंप है। ओके, तो बिल्ज पंप को हम स्टार्ट करेंगे, तो बिल्ज पंप हमारा बिल्ज होल्डिंग टैंक से सेक्शन लेगा, क्योंकि ये पाइपलाइन ऐसी है, यहाँ पे यहाँ से सीधा यहाँ पे आएगा, और यहाँ से ये जो फर्स्ट चैम्बर जो दिया गया है, ये फर्स्ट स्टेज जिसको बोल सकते हैं हम, इसमें फिलअप करेगा। क्या फिलअप कर रहा है इसमें हम, ऑयली मिक्सचर, ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर है उसको हम फर्स्ट स्टेज में ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम द बिल्ज होल्डिंग टैंक बाय हेल्पिंग द बिल्ज पंप। बिल्ज पंप के थ्रू हम इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसमें ऑयली मिक्सचर को स्टोर भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो ऑयल हल्का होता है, ऑयल की डेंसिटी कम होती है, वाटर की ज्यादा होती है, तो ऑयल ऊपर चला जाएगा और वाटर नीचे आ जाएगा। जो चीज हल्की होगी वो ऊपर जाएगी, और जो भारी होगा वो नीचे आ जाएगा। तो इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, सेपरेशन यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ग्रेविटी के उस पर। तो यहाँ ग्रेविटी सेपरेशन हो रहा है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे जब आप ऑयली मिक्सचर को ट्रांसफर करेंगे तो ग्रेविटी सेपरेशन में ऑयल हल्का रहेगा जो ऊपर आ जाएगा, और पानी भारी रहेगा, और उसमें जो भी ऑयल पार्टिकल्स हैवी होंगे वो सब नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे कैच प्लेट्स लगी हुई है, ओके। ये कैच प्लेट्स यहाँ पे पार्टिकल्स को कैच करती रहेंगी, और बाकी जो पानी और ऑयल का जो मिक्सचर होगा वो यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे जो सेपरेशन होता है वो होता है आपका 100 PPM पे। ये स्टेज में जो सेपरेशन हो रहा है वो हो रहा है आपका 100 PPM, ओके। 100 PPM पे सेपरेशन हो गया, ऑयल यहाँ पे हो गया, जो भी बाकी का मिक्सचर वैसा वो नीचे आएगा इसमें, और इस पाइपलाइन के थ्रू वो मिक्सचर कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड स्टेज में। ये जो है वो कौन सी है, सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, कॉलेसिंग मटेरियल, कॉलेसिंग फिल्टर मीडिया होता है। ये जो फिल्टर है वो कॉलेसर फिल्टर है। कॉलेसर फिल्टर क्या करते हैं, यहाँ पे जो यहाँ तो सेपरेशन हो गया ऑयल का, अब यहाँ पे जो ऑयल का सेपरेशन होगा उसके बाद में, ये देखो इसका फंक्शन मैं बाद में बताऊंगा, पहले इतना यहाँ पे देख लो। यहाँ पे सेपरेशन होकर ऑयल ऊपर चला गया, पानी इधर आ गया, यहाँ से इधर पाइपलाइन में आया और यहाँ पे आया। यहाँ आने के बाद में ये वाली यूनिट में गया, केवल ये बीच में पार्टीशन दिया गया, देखो यहाँ से देखिए, यहाँ पे पार्टीशन है, ऊपर भी पार्टीशन है। तो मतलब जो भी मिक्सचर इधर आया यहाँ पे, पहले इस फिल्टर के थ्रू फिल्टर हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद में फिर वही यहाँ पे कॉलेसिंग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी प्रिंसिपल काम कर रहा है। यहाँ ग्रेविटी प्रिंसिपल में क्या, वही कि जो हल्की चीज है वो ऊपर और जो भारी चीज है वो नीचे। अब यहाँ पे हल्का क्या, ऑयल है, तो वो ऊपर आ गया यहाँ पे, और जो भारी है वो नीचे, मतलब जो वाटर बचा वो कहाँ पे आएगा, दूसरे वाले फिल्टर में एंट्री कर देगा, क्योंकि यहाँ से तो जा रहा है ना, यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ से नीचे एंट्री आएगा, और ये फिल्टर में से जो पानी होगा वो डिस्चार्ज करेगा इस साइड में। यहाँ पे जो सेपरेशन होगा वो होगा आपका बिलो 15 PPM, ओके, 15 और बिलो 15 PPM, नॉट मोर देन द 15 PPM। अब यहाँ पे सेपरेशन हुआ, सेपरेशन होने के बाद में वो जो पानी है, ऑयल निकल गया उसमें से, अब केवल वाटर बचा हुआ, तो वाटर क्या करेगा, यहाँ पे बाहर निकल के आएगा। ये पाइपलाइन से यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आएगा यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में इधर जाएगा। यहाँ पे थ्री वे वॉल लगा हुआ है, थ्री वे वॉल का जो फंक्शन है वो क्या है, थ्री वे वॉल जो हमारा लगा हुआ है ये यहाँ पे, ये हमारा ODMC से कनेक्टेड है, ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटर कंट्रोल, ये ऑयल डिस्चार्जिंग मॉनिटरिंग करता रहता है, जो ऑयल डिस्चार्ज हो रहा है उसको मॉनिटर करता रहेगा। क्या मॉनिटर करता है, PPM, कितने PPM इसमें पानी में डिस्चार्ज हो रहे हैं। ये बिलो 15 PPM और 15 PPM तक वर्किंग रखेगा, जैसे ही 15 से ज्यादा हुआ तो ये क्या करेगा, यहाँ पे थ्री वे वॉल को शट ऑफ कर देगा। अभी ये ओपन कंडीशन में है, अगर आपका ये OWS 15 PPM पे या बिलो 15 PPM पे डिस्चार्ज कर रहा है, तो ये आपका यहाँ पे जो थ्री वे वॉल है वो सीधा सीधा बीच में खुला रहेगा यहाँ पे, ओके।
तो ये बीच में ऐसे खुला हुआ रहेगा और पानी यहाँ पर ओवरबोर्ड डिस्चार्ज होता रहेगा कंटिन्यूसली। ठीक, अगर ये पीपीएम कहाँ से सेंस कर रहा है, ये देखो ये पाइपलाइन जो आई है ना, ये ऊपर गया, मतलब जो पानी यहाँ से निकल के ओवरबोर्ड जा रहा है उसी में से ये कनेक्शन दिया गया है ओडीएमसी के लिए। ये देखो दिया गया, अब ये पानी यहाँ पे इसके पास भी आ रहा है ना सेंसिंग करवाने के लिए। अब ये कंटिन्यूसली सेंस करता रहता है कि कितने पीपीएम इसमें हैं। अगर पीपीएम 15 से ज्यादा हुए तो ये क्या करेगा, ओडीएमसी ये सिग्नल भेजेगा आपका यहाँ पे, ये थ्री वे वाल्व है, ये सोलेनोइड है, और थ्री वे वाल्व को सिग्नल भेजेगा। अगर 15 से ज्यादा है तो क्या होगा कि डिस्चार्ज लाइन बंद हो जाएगी आपकी, मतलब ये वाला जो रास्ता बंद हो गया और ये वाला खुल जाएगा। तो क्या होगा, जो भी यहां से डिस्चार्ज होगा ये लाइन में से, जो डिस्चार्ज होने वाला बाहर था वो वापस से कहां चला जाएगा, बिल्ज होल्डिंग टैंक में वापस आ जाएगा। बिल्ज होल्डिंग टैंक में वापस क्यों आ जाएगा, क्योंकि पीपीएम इसके 15 से ज्यादा है। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं, अगर पीपीएम ज्यादा होंगे तो वापस से बिल्ज होल्डिंग टैंक में आपका ऑयली मिक्सचर ट्रांसफर हो जाएगा। सॉरी, अगर पीपीएम 15 से कम है या 15 है तो यहां से ये वाला वाल्व ओपन रहेगा और ये वाला क्लोज रहेगा, मतलब ये ओवरबोर्ड डिस्चार्ज होता रहेगा। ये तो हो गया ओडीएमसी की बात, ये क्या करता है कंटिन्यूसली सेंसिंग करता है। दोनों फिल्टर मैंने आपको समझा दिए, अब यहाँ पर जो ये चीज लगी इसका मैं काम बताता हूँ, इसको बताना भूल गया था। ये है एक कैपेसिटेंस प्रोब, कैपेसिटेंस प्रोब है ये प्रोब क्या करता है, यहाँ पर जो ऑयल आया, तब यहाँ पर ऑयल आ गया कि नहीं आ गया कौन बताएगा, हम तो अंदर जाएंगे नहीं उसमें देखने के लिए कि इसमें ऑयल आया है कि नहीं आया। तो ये कैपेसिटेंस प्रोब क्या करता है, सेंसर का काम कर रहा है यहाँ पर। ये ऑयल जो इकट्ठा हो रहा है ऊपर की उसमें, ये ऑयल को यहाँ पर सेंस करेगा। और सेम कैपेसिटेंस प्रोब यहाँ पर भी लगा हुआ है एक, ये ओके, ये भी कैपेसिटेंस प्रोब है, ये भी कैपेसिटेंस प्रोब है। अब ये कैपेसिटेंस प्रोब क्या करता है, यहाँ पे ऑयल को सेंस कर लेगा, और सेंस करने के बाद में ये यहाँ पे कंट्रोल स्विच है ये वाला, ओके कंट्रोल स्विच, ये कंट्रोल स्विच को सिग्नल भेजेगा कि भाई यहाँ पे ऑयल आ चुका है। कंट्रोल स्विच को जैसे सिग्नल जाएगा, यहाँ पे सोलेनोइड वाल्व लगा हुआ है, ये डायफ्राम टाइप सोलेनोइड वाल्व है यहाँ पे, ओके डायफ्राम टाइप वाल्व है ये सोलेनोइड वाल्व, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होते हैं ये सोलेनोइड वाल्व, डायफ्राम टाइप सोलेनोइड वाल्व है। और ये यहाँ पे कंट्रोल स्विच क्या करेगा, यहाँ से सोलेनोइड वाल्व को सिग्नल भेजेगा कि यहाँ पे ऑयल आ चुका है। सोलेनोइड वाल्व क्या करेगा, यहाँ पे इस वाल्व को ओपन कर देगा, ये डायफ्राम टाइप वाल्व है, और ये वाला वाल्व आपका ओपन हो जाएगा, मतलब ये पाइपलाइन खुल जाएगी और यहाँ पर जो ऑयल इकट्ठा हो रहा है वो इस पाइपलाइन के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा, ऑयल स्टोरेज टैंक में आ जाएगा। ओके, ये आपका ऑयल स्टोरेज टैंक है। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे सेंस करेगा, ये कंट्रोल स्विच देखो प्रोब, ये प्रोब के साथ में कनेक्शन ऐसे है, ये प्रोब सेंस करेगा यहाँ पे, कंट्रोल स्विच को सिग्नल देगा, ये कंट्रोल स्विच कहाँ पे सिग्नल देगा बाद में आपका आगे, ये देखो ये सोलेनोइड वाल्व लगा हुआ है और ये यहाँ पे वापस ऐसे जा भाई, ये मतलब एक कंट्रोल स्विच से दो सोलेनोइड वाल्व कनेक्टेड है यहाँ पे और दो प्रोब कनेक्टेड है। कंट्रोल स्विच प्रोब सोलेनोइड वाल्व को, कंट्रोल स्विच को बताएगा ऑयल सेंसिंग के बारे में, कंट्रोल स्विच क्या करेगा सोलेनोइड वाल्व को एक्टिवेट करेगा और जो भी ऑयल है वो कहाँ पे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ऑयल स्टोरेज टैंक के अंदर। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है ओडब्ल्यूएस का। मार्पोल एनएक्स वन में हम इस मशीन का यूज करते हैं, ऑक्सिलरी मशीन इंजन रूम में लगी होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी अगर डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिए। ओके।